आज का हमारा ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेशन, बहुत ही काम आने वाली वीडियो है, क्योंकि हम इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपके फ्रिज में करंट आ रहा है तो किस तरीके से उस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, अपने फ्रिज की करंट आने वाली समस्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल, बड़े इजी तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो फ्रिज की बॉडी है, फ्रिज की बॉडी में जहाँ पर पेंट वगैरह उखड़ा रहता है वहाँ पर हाथ से छू देते हैं या फिर पैर वगैरह गीले होती है तो एक अजीब सी झटका या फिर झिंझिनाहट जैसे करंट लग जाता है। जब हम उसको टेस्टर वगैरह से जहाँ पर पेंट वगैरह उखड़ा है वहाँ उस टीने पर टच करते हैं तो टेस्टर भी वहाँ पर जलने लगता है। तो इस तरह की अगर आपकी फ्रिज में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो किस तरीके से अपने फ्रिज की प्रॉब्लम को काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अक्सर करंट आने के कारण मैं जो इस वीडियो में बता रहा हूँ वो कारण होते हैं। चलिए आपको बिल्कुल क्लियर दिखाते हैं। बिल्कुल अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले इस फ्रिज की दरवाजे को बंद कर देता हूँ और रीजन्स को दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम इस फ्रिज को चलाने के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो फ्रिज की प्लग वायर है ये बिल्कुल 3 पिन प्लग लगा हुआ है, तो इसको मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। अब ये जो हम अक्सर बोर्ड फ्रिज वगैरह चलाने के लिए यूज़ करते हैं वो देखिए, कोई भी एक टेंशन बोर्ड इस तरीके से होता है। मैं इसकी वायर को खींच कर दिखा देता हूँ। तो उस वायर में देखिए सिंपल दो ही वायर लगा होता है और यहाँ पर 2 पिन होता है या फिर 3 पिन भी लगा है तो कई बार दो ही वायर की कनेक्शंस होती हैं जिसके कारण से फ्रिज में करंट आने का कारण बन जाता है। मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए इस प्लग को बिजली की बोर्ड पे लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं करंट चेक करके दिखाते हैं। तो मैंने उसको बिजली की बोर्ड से कनेक्शंस दे दिया है। अब उसके बाद एक टेस्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो टेंशन बोर्ड है उसमें करंट कौन से साइड आ रहा है और कौन से साइड नहीं आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर अभी जो टेस्टर हमारी जल रही है, इस तरीके से स्विच ऑफ करने से यहाँ पर टेस्टर बंद हो जाता है। ये जो कनेक्शन है बहुत बढ़िया कनेक्शन है, लेकिन रॉन्ग कनेक्शन क्या होता है वो बता देते हैं हम। ये जो 2 पिन है इसको अगर हम इस तरीके से लगाए थे तो इसको इस तरीके से घुमा देंगे तो क्या दिक्कत होती है वो देख लेते हैं। तो मैं इसको फिर से लगा दिया बिजली की बोर्ड पे। अब फिर इसको टेस्टर लगाते हैं तो देखिए करंट यहाँ पर रॉन्ग साइड पे आ चुका है। स्विच ऑन करते हैं फिर भी करंट है, स्विच ऑफ करते हैं फिर भी करंट है, मतलब करंट की सप्लाई यहाँ पर रुकती नहीं है, जिसके कारण फ्रिज की पूरी बॉडी में जो नॉर्मल अर्थ करंट होता है वो फैल जाता है और यहाँ पर अर्थिंग की वायर एक्सटेंशन बोर्ड के साथ नहीं होने के कारण जो है फ्रिज में करंट आता है। अगर आप भी इसी तरीके का बोर्ड यूज़ करते हैं तो ध्यान दें कि ये जो प्लग होता है उसको एक बार घुमा कर लगाएं या तो फिर 3 वायर के साथ अर्थिंग वायर की कनेक्शंस करें। तो देखिए मैं इसको फिर से घुमा कर लगा देता हूँ, फिर उसके बाद आप टेस्टर से चेक करें कि इस बोर्ड में अब करंट आ रहे हैं और स्विच ऑफ करने से करंट जा रहा है। यही राइट कनेक्शन होती है। आप अपने फ्रिज को चलाने के लिए जो एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको चेक करें, 2 वायर की कनेक्शंस होगा तो 3 वायर लगाएं, अर्थिंग की कनेक्शंस जरूर दें, इससे जो आपकी फ्रिज में अर्थ करंट आ रही है वो नहीं आएगा और आपकी फ्रिज की करंट आने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से जानकारी मिली हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाएंगे हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर।